बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास थ्री का लेक्चर नंबर 22 है। आज हम पेज नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। देखें आपकी हेडिंग क्या है, लुक एट दिस सम। कह रही है इस क्वेश्चन पे देखें आप 300 to 144। नॉट इनफ वंस, वी नीड टू चेंज 110 इंटू 10 वंस, बट देर इज़ अ ज़ीरो इन द टेंस कॉलम, वट शुड वी डू। तो क्या पता है, सब्ट्रैक्शन आप पहले कर चुके हुए हैं, इसमें आपका टेंस में ज़ीरो वाला वर्ड जो है वो मौजूद नहीं होता था, ज़ीरो नंबर मौजूद नहीं होता था। वंस कॉलम देखें, आपको पता है कि आपने लास्ट टाइम भी पिछले लेक्चर्स में भी किया है, कैरी लेके आप माइनस कर देते थे कि आप टेंस वंस में अगर छोटी रकम है तो टेंस से ले लेते थे आप कैरी। अभी देखें टेंस में ज़ीरो है, तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब आप ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन सेम वैसे माइनस ही करना है आपने कैरी लेके। नेक्स्ट फर्दर आप वन बाय वन देखें कैसे बता रहे हैं। फर्स्ट वी चेंज 100 इंटू 10 टेंस, नेक्स्ट वी चेंज 110 इंटू 10 वंस, लीविंग 9 टेंस इन द टेंस कॉलम। सबसे पहले वो क्या कहा है, 100 इंटू 10 टेंस में चेंज कर दें, कि जहाँ पे टेंस में ज़ीरो आ रहा है उससे कैरी लेके आप उनको टेंस बना दें 10 को, ठीक है। वी चेंज 10 इंटू 10 वंस, ठीक है। अब ये 2 है, इसमें भी कैरी लें, इसको टेंस बना दें। टेंस को ऊपर हमने 100 को टेंस बना दिया था। वो कैरी लेने का आपको मेथड बता रहे हैं कि आपने कैरी कैसे लेना है। यहाँ पे आपने टेंस में किस तरह कैरी ले लिया, इधर से उसको 10 बना दिया, हमने 100 में से ले लिया, तो वो टेंस भी 10 में चेंज हो गया। इसी तरह इन्होंने ये सेकंड पे ये बताया हुआ है, वंस में हमने कैरी लेना है। वंस में कैरी क्यों लेना है, क्योंकि 2 में से 4 माइनस नहीं होता, तो उसके लिए भी आप जब यहाँ पे हमने टेंस बनाया था ऊपर, तो यहाँ पे ये चला जाएगा एक इधर, तो 12 में से 4 आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 कैसे आया, हमने यहाँ से कैरी लिया है, 100 वाले कॉलम में से 10 को कैरी दिया है। यहाँ पे कैरी क्यों दिया, क्योंकि हमने नेक्स्ट वंस में भी इसको कैरी देना है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, 10 लिख दें या 1 लिख दें एक ही बात है, क्योंकि सिर्फ 1 कैरी जाता है, 12 में से 4 आप नेक्स्ट देखते हैं। देखें नाउ वी कैन कंप्लीट द सम, आपने ऊपर वंस में भी कैरी दे दिया और टेंस में भी कैरी दे दिया, ठीक है। कैसे कैरी दिया था, यहाँ पे टेंस बना दिया था 100 को, यहाँ से एक कैरी देंगे, 12 में से 4 माइनस किए 8, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 9। 9 कैसे रह गया, क्योंकि यहाँ से जब हमने कैरी दे दिया उसको, यहाँ 10 बनाया था, 10 का 9 रह जाएगा एक कैरी देने के बाद, 9 में से 4 माइनस किए 5। देखिए उन्होंने भी कट करके साथ साथ नंबर ऐड किए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको याद भी रहे और आप इजीली आंसर निकाल सकें। 9 में से 4 माइनस कर दिए 5, और यहाँ पे 2 रह गया था। 2 कैसे रह गया था, यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 को टेंस बना दिया था, एक कैरी उधर चला गया था, इसलिए 2 में से 1 माइनस कर दिए तो 1। लास्ट ऑफ ऑल वी ऐड टू चेक द आंसर, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अपना आंसर चेक करने के लिए, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप एडिशन करके अपना आंसर चेक करेंगे, अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो अपना आंसर कैसे चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके। अब यहाँ पे हमने किया था माइनस, ये देखें ऊपर आपने माइनस किया सारा, तो अब आप प्लस करके अपना आंसर चेक करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल वी ऐड टू चेक द आंसर, हम ऐड कर रहे हैं आंसर चेक करने के लिए। कैसे चेक करेंगे, जो आपका माइनस करके आंसर आया है वो ऊपर लिखा जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, और नीचे वाली रकम वैसे सेम एज इट इज़ आप राइट कर देंगे। अब प्लस करना है आपने, ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आप माइनस करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अपना आंसर निकाल रहे हैं, तो आप आंसर चेक करने के लिए एडिशन करेंगे नंबर्स का। वो मैंने आपको बताया 8 प्लस 4 करें 12, राइट साइड वाले नंबर लिखा जाता है आपको पता है, 2 लिख के 1 आप कैरी दे देंगे, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 0 लिख देंगे 1 कैरी चला जाएगा, लास्ट में आपने कैरी लिखने हैं यहाँ पे 1 2 3, 1 प्लस 1 3 3 0 2, 302 आपका आंसर आ गया। और ये देखिए यहाँ पे भी 302 मौजूद था, इसलिए आप कह सकते हैं आपकी सब्ट्रैक्शन भी ठीक थी और प्लस भी एडिशन भी ठीक है। नीचे ये एग्जांपल देखें आप अपने, 4802 में से माइनस करना आपने 1657। अब जैसे ही 2 में से 7 माइनस नहीं होंगे, सबसे पहले आप वंस वाला कॉलम देखेंगे ना, 2 में से 7 माइनस नहीं होंगे, इसके लिए आपको कैरी लेना पड़ेगा। जैसे आपने ऊपर भी उन्होंने आपको मेथड बताया है कि जब 100 वाले कॉलम में भी 0 हो, तो आप यहाँ 100 वाले कॉलम से कैरी लेते हैं टेंस वाले कॉलम में, यहाँ क्या बन जाएगा 10, जैसे उन्होंने ऊपर राइट किया हुआ है। 10 में से 5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस होगा या नहीं, ऊपर 9 भी लिखा हुआ है,
यहाँ पे कैरी देने के बाद यहाँ 9 रह जाता है। ये देखें 2 में 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इसको टेंस बनाने के लिए उन्होंने 10 राइट कर दिया, लेकिन हमने क्योंकि 10 को यहाँ कैरी दे देना है एक, इसलिए उन्होंने ऊपर 9 लिख दिया। 12 में से 7 माइनस करें 5, यहाँ क्या रह जाता है, बेशक 10 को कट करके ऊपर 9 लिखते हैं, 9 में से 5 माइनस कर दें 4, यहाँ आपके पास 8 नहीं रहेगा। जब आप यहाँ कैरी देंगे तो आप फ़ौरन उसको कट करके ऊपर 7 लिख देंगे, 1 माइनस लिख देंगे। 7 में से 6 माइनस किया 1, 4 में से 1 माइनस कर दिया 3। दोबारा देख लें एग्जाम्पल, वंस वाला कलम आपको पता है 2 में 7 माइनस नहीं होगा, पहले आप जो 110 कॉलम में है उसको टेंस बनाएंगे, 100 वाले कॉलम से कैरी लें यहाँ पे, ये बन गया 10। अब चूँकि यहाँ पे हमने 10 बना दिया इसलिए हम यहाँ कैरी दे सकते हैं इसको, फ़ौरन उसको कट करें ऊपर 9 लिख दें। यहाँ रह गया, यहाँ हो गया 12, 12 में से 7 माइनस करें 5, 9 में से 5 माइनस करें 4, 7 में से 6 माइनस करें 1, 7 कैसे यहाँ पे रहा, यहाँ पे हमने जब कैरी दे दिया तो आपने कट करके लिख दिया 7, 7 में से 6 माइनस करके 1, एंड 4 में से 1 माइनस करते हैं, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आंसर आपका आता है 3। नेक्स्ट पेज नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, लुक एट दिस सम, 1, 10, 100, 100,000, 4,003, 1,846, 0, 10, 0, 100, what should we do? अब लास्ट पेज में, पेज नंबर 50 पे हमने क्या किया है कि सिर्फ आपके टेंस में ज़ीरो होता था, और यहाँ पे उन्होंने 4 कॉलम्स बना दिए हैं, 100 में भी ज़ीरो ऐड कर दिया कि कैरी लेने का मेथड कैसे किया जाएगा। इसमें भी आपने कैरी ही लेना है, सब्ट्रैक्शन ही करनी है, सिर्फ क्या है 4 कॉलम्स ऐड करके। पेज नंबर 50 पे आपने सिर्फ टेंस में ज़ीरो कॉलम देखा था, अब आप 100 में भी ज़ीरो कॉलम देख रहे हैं कि आपको कैरी करना आ जाए। कैसे कैरी करेंगे आप, फर्स्ट वी चेंज 1000 इंटू 10 हंड्रेड्स, क्या कह रहे हैं 1000 इंटू 10 हंड्रेड्स। अब 1000 जो है 1000 से लेके कैरी यहाँ पे हंड्रेड्स बनाएंगे, जैसे ये देखें टेंस बना दिया उनको, ठीक है वो बन जाएगा 1000। इसी तरह देन वी चेंज 100 इंटू 10 टेंस, लीविंग 900 इन द हंड्रेड्स कॉलम। अब क्या करेंगे, जब हमने हंड्रेड्स में टेंस बना दिए, हंड्रेड्स 1000 हो गए, तो इसके लिए हमें कैरी देना पड़ेगा टेंस में, 10 टेंस बनाने के लिए कह रहे हैं इंटू 10 टेंस। अब हम 100 से टेंस में कैरी दे देंगे एक। नेक्स्ट करते हैं, आपको ऐसे ऐसा पता लग जाएगा। थर्ड पे वो क्या स्टेप बता रहे हैं, नेक्स्ट वी चेंज 1 टेंस इंटू 10 वंस, लीविंग 9 टेंस इन द टेंस कॉलम। अब क्या है, वंस में हमने टेंस ऐड कर देना है, एक कैरी दे देना है। सिंपल से भी ये बात बता रहे हैं, पहले सिर्फ हमने टेंस तक कैरी दिया था, अब हमने 1000 से पहले 100 में देना है, उसके बाद 100 से टेंस में, टेंस से वंस में। इसी तरह 1 by 1 कैरी दे के आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए, नाउ वी कैन चेंज कंप्लीट द सम एंड ऐड टू चेक इट। ये आपको पता है, आपने अगर सब्ट्रैक्शन कर दी है, ये देखें सब्ट्रैक्शन की है, तो आप ऐड करेंगे चेक करने के लिए। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस देखिए उन्होंने कैसे किया, 3 में से 6 माइनस नहीं होगा। जैसे आपको बताया टेंस में भी ज़ीरो था, 100 में भी ज़ीरो था, 10,000 से आपने कैरी लिए, पहले हमने 100 में 1000 बनाया, इस तरह कैरी दिया तो 10 बन गया। अब नेक्स्ट आप टेंस में कैरी देंगे, टेंस से कैरी फिर वंस में जाएगा, लेकिन साथ साथ ऊपर लिखते जाएंगे आप 10। यहाँ से हमने कैरी दे दी हुई 10 लिखा गया, 10 लिख के जब आप नेक्स्ट कैरी देंगे तो भी 10 जाएगा। अब फ़ौरन यहाँ पे जब कैरी दे देंगे तो यहाँ रह जाएगा 9। इसी तरह जब नेक्स्ट आप कैरी दे देंगे तो यहाँ पे भी रह जाएगा 9। यहाँ क्या बन जाएगा, 13। 13 में से 6 माइनस किया 7। सिंपल सी बात यह है कि जब आपने 1 by 1 कैरी देते जाना है, ऊपर साथ साथ राइट करते जाना है ताकि आपको याद रहे। 13 में से 6 माइनस किया 7। अब क्योंकि यहाँ पे टेंस बनाने के बाद यहाँ एक कैरी चला गया था, 9 रह गया था हमारे पास, 9 में से 4 माइनस किए 5। इसी तरह यहाँ पे हमने जब टेंस में कैरी दे दिया था 100 में से, तो यहाँ रह गया था 9। 9 में से 8 माइनस किया 1। अब चूंकि 100,000 में से भी कैरी दिया था इसलिए कट करके 3 लिख दिया गया था, 3 में से 1 माइनस किया 2। 2157 आपका आंसर है। सेम वही चीज़ें जो आपने पिछले 48, 49, 50 पेज नंबर पे की है, सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ पे अगर ज़ीरो कैरी, यहाँ पे ज़ीरो अगर आ जाता है कॉलम में, तो आपने कैरी कैसे करना है, साथ साथ राइट करते जाएं कैरी दे के। सिंपल सी बात है, वो आपका आंसर निकालना इजी रहेगा। एग्जांपल देखें नीचे, 5006 माइनस 2483। अब ये 6 में से 3 माइनस हो जाता है, जहाँ पे तो बड़ी में से छोटी माइनस हो जाती है वहाँ कैरी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है।
अब ये देखिए 6 में से 3 माइनस हो रहा है 3, यहाँ 3 में से 6 नहीं हो रहा था इसलिए आपने 1 by 1 कैरी लिया था। यहाँ पे 6 में से 3 माइनस हो रहा है, आप लिखते हैं कि 3। अब ये टेंस वाले कॉलम में 0 आ गया, 100 वाले कॉलम में भी 0 आ गया, आप क्या करेंगे 100,000 से कॉलम से एक 1 कैरी लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10। इसके लिए आपको नेक्स्ट भी देना पड़ेगा कैरी, यहाँ भी रह जाएगा 10। अब फ़ौरन जब आप 10 को यहाँ लिखेंगे तो फ़ौरन 9 लिख देंगे, क्योंकि जब आपने कैरी दे दिया तो फ़ौरन अपने याद रखने के लिए यहाँ पे 9 राइट कर दें। 10 में से 8 माइनस किया 2, नेक्स्ट आप कैरी नहीं देंगे क्योंकि वहाँ 6 में 3 हम माइनस कर चुके हैं, क्योंकि वो ऊपर बड़ी में से छोटी रकम माइनस हो जाती है। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे हमारे पास 9 था, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, यहाँ क्या रह गया था हमारे पास 4, क्योंकि हमने यहाँ नेक्स्ट कैरी दे दिया था 100 कॉलम्स में। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ये आपका माइनस आ जाता है। अब उन्होंने ऊपर हमें क्या सजेशन दी थी कि नाउ वी कैन कंप्लीट द सम एंड ऐड टू चेक इट। अब ये एग्जांपल हम देखते हुए करेंगे कि क्या हमारा ये आंसर जो हमने माइनस किया है ये ठीक भी है या नहीं, इस रकम को इस आंसर को यूज़ करते हुए हम आंसर देखेंगे अपना नेक्स्ट रफ वर्क में देखते हैं। अब आपके जो उन्होंने सोल्व सब्ट्रैक्शन की हुई थी हम वो देख रहे हैं, जो एग्जांपल में नीचे वो नहीं है जो आपकी सोल्व है, अब हम देखेंगे प्लस करके। प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर सब्ट्रैक्शन हुई थी और चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम ऑपोजिट मेथड लेते हैं, हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे उसका। अब देखें 7 में प्लस करें 6 तो आपका आंसर क्या आता है 13, 3 लिख के यहाँ पे आप 1 कैरी दे देंगे, 5 + 1 = 6, 6 + 4 = 10, 0 लिख के 1 कैरी दे देंगे, 1 + 1 = 2, 2 + 8 = 10, 0 लिख के 1 कैरी दे देंगे। आपको पता है राइट साइड वाले लिख के और लेफ्ट पे ऊपर कैरी दे देते हैं, लेफ्ट जो नंबर होता है 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, 4300 हमारे पास आया, ठीक है। ये देखें सॉल्व आपके पास क्या आंसर था 4300, और एडिशन करके भी हमारे पास क्या आंसर आया 4300। हमने ये आंसर यूज़ करते हुए ये रकम नीचे लिखी और उसको प्लस कर दिया तो आपके पास 4300 आंसर आ गया। आज पेज नंबर 51 तक काफ़ी है, नेक्स्ट हम पेज नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। आप इसकी रिवीजन करें अच्छी तरह, ख़ुद से नंबर्स ऐड करें, उनकी सब्ट्रैक्शन करें बार बार, यहाँ पे 100 और 10 में 0 ऐड करके, इसकी रिवीजन आपकी अच्छी तरह हो जाएगी तो नेक्स्ट भी आपको करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट काम हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।